हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल ऑटो ड्रीम में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, नो अपर लिमिट प्राइस। रोल्स रॉयस की गाड़ियों में कोई भी हाईएस्ट प्राइस लिमिट नहीं होता, आप इसे जितना चाहें उतना महंगा बनवा सकते हैं। सेकेंड, मोस्ट एक्सपेंसिव। इस कंपनी की सबसे महंगी गाड़ी का नाम है बोट टेल, जो कि 20 मिलियन यूरो की है। भारतीय रुपये में इसकी कीमत लगभग 200 करोड़ हो जाती है, जिसकी सिर्फ अभी तक एक ही मॉडल बनाया गया है। फास्टेस्ट, रोल्स रॉयस रेट सबसे फास्टेस्ट गाड़ी है, जो कि 6.6 लीटर V12 ट्विन टर्बो इंजन के साथ आता है, जो कि 625 हॉर्स पावर और 800 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ 4.4 सेकंड में जा सकती है और इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। सिंबल डिडंट गो डाउन। इस गाड़ी के पहियों में लगाए हुए कंपनी के लोगो कभी भी नीचे नहीं होते, ये हमेशा ऊपर की तरफ ही रहते हैं। फिफ्थ, मोस्ट लग्जूरियस। ये गाड़ी इतनी लग्जूरियस और कम्फर्टेबल है कि इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाहे कैसी भी सड़क क्यों न हो, आपको अंदर कुछ भी महसूस नहीं होगा। सिक्स, कैन कस्टमाइज। आप इस गाड़ी में हर चीज़ अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें अपनी पसंद की सीट्स, बॉडी पेंट्स और व्हील्स सब कुछ अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। सेवेंथ, जैसा कि हर गाड़ी अपने हिसाब से बनवा सकती है, तो इस गाड़ी की वेटिंग पीरियड 6 महीने तक चली जाती है। आप इस कंपनी की बेस मॉडल की गाड़ी अगर लेते हैं तो वो सिर्फ आपको 2 महीने में मिल सकती है। 8th, नॉइज प्रूफ केबिन विथ इंसुलेशन। इस गाड़ी में आपको इतनी ज़बरदस्त इंसुलेशन मिलती है कि इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल लगभग 140 किलो तक लग जाते हैं, जिससे कि इसका इंटीरियर पूरी तरह साउंड प्रूफ हो जाता है। 9th, स्टारलाइट रूफ। इसकी छतों में आपको पूरी तारों वाली फीलिंग आती है, जो कि रात में देखने में बहुत ही अच्छी और शानदार लगती है। 10th नंबर, रिलायबिलिटी। इस कंपनी की गाड़ियाँ आपको इतनी रिलायबल मिलती हैं कि इस कंपनी के द्वारा बनाई हुई 60% से भी ज़्यादा गाड़ियाँ आज भी सड़क पर दौड़ रही हैं। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।